आप सभी को मेरा राधे राधे। सत्तू की बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 250 ग्राम सत्तू ले लिया है। उसमें हम लोगों ने अजवाइन और मंगरेल मिक्स किया, फिर उसमें प्याज मिक्स किया। प्याज के बाद हमने इसमें थोड़ी सी अचार की खटाई मिक्स की। इसमें नींबू का रस डाल देंगे, हल्का नमक डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। जो बचे प्याज और धनिया पत्ती थी उसको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे और इसको ऐसे मैश करते हुए मिला लेंगे। लहसुन मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें और अच्छे से मैश कर लेंगे हाथ की मदद से। बाटी बनाने के लिए आटा ले लेंगे, उसमें हल्का रिफाइंड हल्का नमक डाल के हम नरम आटा गूंथेंगे। हल्का हल्का पानी डाल के हम इसको आटे को अच्छे से गूंथेंगे। गूंथने के बाद आप इसमें हल्का ऑयल लगा के एक बार अच्छे से और गूंथ लीजिए, जिससे कि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब ये बाटी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बाटी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ऐसे लोई बनाएंगे। लोई बना के इसमें सत्तू भरेंगे। सत्तू भर के इसको ऐसे ऐसे दबाते हुए और थोड़ा सा ले लेंगे इसमें और इसको दबाते हुए ऐसे ऐसे करके इसको फिल कर लेंगे चारों तरफ से। और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देंगे और थोड़ा सा आटा हाथ में लगा के इसको गोल करते हुए ऐसे इसको बना लेंगे। इसी तरह से हम लोग और भी बनाएंगे। मैंने इतने बना लिए हैं और इसके बाद मैंने 10 मिनट पहले से ही गर्म पानी और नमक को उबलने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें ये सारे ऐड कर दूंगी इस गर्म पानी में और थोड़ी देर के लिए इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। अब ये उबल गया है, देखिए। अब मैं इसको एक एक करके निकाल लूँगी। अब ये उबल गया है, अब इसको मैं छान दूंगी कढ़ाई में। अब ऑयल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे एक एक करके हम लोग इसमें ऐड करेंगे। हल्का ब्राउन होने तक इसको धीरे धीरे चलाते हुए इसको तल लेंगे हम लोग। अब ये डीप फ्राई हो गया है, इसको हम लोग एक एक करके डाल लेंगे। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। अब ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे दाल चटनी और चोखे के साथ अच्छे से खा सकते हैं।